हेलो दोस्तों, हाय, नमस्कार। आशा की होप में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मज़े में होंगे दोस्तों, और हम भी मज़े में हैं। तो आज चल रहे हैं हम कुट्टू बड़ा बनाने और सांभर। तो देखिए, सांभर के लिए हमने ले रखा है कोहड़ा, कद्दू, लौकी, टमाटर और सहजन। तो अब इन सब्जियों को हम काट लेंगे और छील लेंगे, क्योंकि दोस्तों प्याज लहसुन और अदर मसाले पड़ेंगे नहीं, इसलिए इसको हम इसी तरह बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं और इसको हम छीलते हैं। तो देखिए, मैंने सारी सब्जियों को छील लिया है, धुल लिया है, रख लिए। अब इसको काटने चल रहे हैं। तो ये सब्जियां हमारी काट लेंगे सब। तो दोस्तों, आज आखिरी दिन है, आठवां दिन है व्रत का, नवरात्रि का। तो आज भी आप लोग बनाएंगे ही। तो देखिए, मेरी सब्जियां कट चुकी है। अब इसको हम कुकर में डाल दे रहे हैं और पानी डाल देंगे। पानी हम जितना चाहेंगे उतना डालेंगे। अब इसमें देखिए, ये धनिए की बीज है, सूखी धनिया, इसको हम डाल देंगे। और ये जो है, वैसे धनिया आप डालिए, ये फलाहारी नमक है, धनिया आप डालिए तो कूट के डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये करी का पत्ता है। और इसमें हम थोड़ी सी मेथी डालेंगे, मेथी दाने। ये सब थोड़ा सा भून के कूट के डालें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन टेस्ट इसका भी कम नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। अब इसको ढक के हम 4-5 सीटी गैस पर रख देंगे और 4-5 सीटी इसको दिला देंगे, 4-5 सीटी हो जाएगी। तो अब देखिए, कुट्टू का आटा हम चल रहे हैं गूंथने बड़ा बनाने के लिए। तो देखिए, इसमें थोड़ा और मिला ले रहे हैं। और इसको हम जो है, इसमें नमक डालेंगे और छाछ से हम इसको गूंथेंगे, थोड़ा नींबू भी डालेंगे। ये देखिए, हम नींबू डाल रहे हैं इसमें और इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे। तो देखिए, ये मेरा पूरा गूंथ जाएगा ये अच्छे से। देखिए, ये गूंथ गया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, ढक्कन लगा के बंद करके इसको, ताकि ये थोड़ा सा मतलब मिक्स हो जाए। अब देखिए, चल रहे हैं हम गैस पर, कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे पानी। हमारा करीब आधे घंटे हो गया है। अब देखिए, इसमें नमक भी डालना है। अब इसको ढक्कन लगा देंगे, इसको खोलने देंगे। तब तक हम देखते हैं, कुकर की सीटी देखिए निकल चुकी है, मेरी दाल हो चुकी है। देखिए, अब इसको थोड़ा सा मथ देंगे, मतलब गल जाए इसलिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं मथेंगे कि अच्छी न लगे। तो देखिए, ये है हो गया, मेरा दाल तैयार हो गई। अब देखिए, इसको हम फ्राई करने जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ मिर्चें हैं, इसके टुकड़े कर ले रहे हैं और इसमें डालेंगे हम तेल। तो ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है। अब इसमें कुछ हम सरसों डालेंगे। ये हींग है, इसे डाल दिया। और ये जो मिर्च थी लाल सूखी, उसे डाल देंगे। अब लास्ट में करी का पत्ता डाल के हम ढक देंगे, क्योंकि ये पूरा छटक जाएगा तो सारे तेल इसके बर्बाद हो जाएंगे। तो अब देखिए, इसमें हम इसको तड़का दे रहे हैं पूरी दाल में, सांभर में पूरा। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। अब चलेंगे हम कढ़ाई की तरफ और ये अपना जो है बड़ा की तरफ, कुट्टू बड़ा। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे हम, तेल लगा के और इसको थोड़ा सा मैश करेंगे, तेल इसके अंदर मिल जाए, क्योंकि स्वाद थोड़ा आना चाहिए। तो थोड़ा तेल अलग ले रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए। तो अब हम देखिए, मेरा पानी करीब करीब खोल चुका है,
खोल चुका था दोस्तों, मैंने बंद कर दिया गैस को, फिर जलाए हैं क्योंकि उस वक्त मैं दाल फ्राई कर रही थी। तो देखिए अब ये देखिए मेरा ये इस तरह से हम बड़ा बना लेंगे सब। तो इसको कुछ देर हम उबलने देंगे। तो सारे बड़े को बना के हम इसी तरह डाल देंगे। अब इसको हम फिर ढक देंगे और चलेंगे इधर हाथ धुल लेंगे। तो अब देखिए ये बड़ा मेरा खोल रहा है, इसको हम देख लेते हैं, चला लेते हैं देखिए। और इसको देखेंगे कि जब तक ये मतलब जब पक जाता है ना तो ये टाइट हो जाता है। देखिए देखना है, देखिए ये पक चुका है, इसलिए अब इसको हम गैस को बंद करके इसको हम छान लेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है। अब तेल गरम हो गया, इसी में हम डाल देंगे इसको। तो इसको लाल होने तक तलेंगे खूब अच्छे से, क्योंकि व्रत में थोड़ा सा स्वाद भी होता है तो खाना अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए दोस्तों हमने उलट लिया है, इसी तरह उलट पलट के हम इसको सेक लेंगे। इसको थोड़ा सा तलने में या कि मतलब इस सेकने में भी परेशानी होती है, क्योंकि ये देखिए चिपक रहा है मेरे में भी। और लेकिन जब ये ठंडा होगा थोड़ा सा तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरह मेरा देखिए बड़ा सिक गया चारों तरफ से। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और सांभर और बड़े को लेके चलेंगे डाइनिंग टेबल पर और हम सर्व करेंगे। तो जो व्रत हैं वो भी खाएंगे, जो नहीं व्रत वो भी। देखिए कितना सुंदर बड़ा तैयार हुआ है मेरा। तो दोस्तों देखिए आ गए डाइनिंग टेबल पर, मेरा बड़ा तैयार हो गया है। अब हम इसमें से देखिए सांभर निकाल रहे हैं और हमारा कुट्टू बड़ा सांभर तैयार है। तो इसका नाम मैंने रखा है कुट्टू बड़ा सांभर। तो देखिए ये कम थोड़ा सा निकालेंगे चार पीस, क्योंकि जो है अब इसको हम देखिए इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं पड़ी है। और इमली वगैरह भी आप खाते हो तो इसमें डाल दें, नहीं तो अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए मेरा तैयार हो गया कुट्टू बड़ा सांभर। तो देखिए दोस्तों ये व्रत का आखिरी दिन है, तो अगली वीडियो में हम कुछ और नई रेसिपी लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय नमस्कार।